हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RTGS, NEFT, IMPS इसका डिफरेंस। एक्चुअली में इसमें डिफरेंस क्या है सब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो हम बात करेंगे NEFT। NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इससे हम इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, आप कितने भी एक रुपए से लेके जितना आप अमाउंट सेंड करोगे उतना NEFT से अमाउंट सेंड हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सुबह 8 बजे से लेके आप रात के 7 बजे तक ही इसमें अमाउंट सेटलमेंट हो जाता है। रात को ये सेटलमेंट अमाउंट नहीं होता है। रात को अगर आपने NEFT किया तो वर्किंग हॉर्स में वो क्रेडिट हो जाता है अमाउंट। अगर ये आपने संडे या सैटरडे को NEFT किया तो नेक्स्ट मंडे जो भी वर्किंग डेज रहेगा उसमें वो सेटलमेंट सामने वाले को अमाउंट मिल जाता है। ओके, NEFT के भी कुछ चार्जेस रहते हैं। ओके, आप इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हो, मैं SBI का आपको बता देता हूँ। अगर आपने 1 रुपये से लेके 10,000 तक आपने NEFT किया तो 2.50 रुपये इसका चार्जेस है। अगर आपने 10,000 से लेके 1,00,000 तक ट्रांसफ़र किया तो इसके 5 रुपये चार्जेस है। अगर आपने 2,00,000 से ज़्यादा का अमाउंट आपने सामने वाले को ट्रांसफ़र किया तो 25 रुपये इसका चार्जेस है। अभी हम बात करेंगे RTGS। RTGS का मतलब है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। इससे आप तुरंत पैसे तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें मिनिमम आप 2,00,000 तक ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। 2,00,000 से कम का अमाउंट ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, RTGS नहीं होता है। ओके, RTGS के भी कुछ चार्जेस है, अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, आप वो गूगल पे चेक कर सकते हो। ओके, तीसरा जो पॉइंट है IMPS। IMPS का मतलब है इमीजिएटली मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये सेम RTGS जैसा ही है, बट इसमें आप 1 रुपये से लेके आप कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हो, किसी भी टाइम आप सेंड कर सकते हो, तुरंत सामने वाले को IMPS करने से पैसा मिल जाता है। ओके, IMPS के भी कुछ चार्जेस है। ओके, आप अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, आप गूगल पे चेक कर सको, अपनी बैंक डाल के अपने बैंक का नाम डालिए और IMPS चार्जेस लिखिए, वहाँ पे चार्जेस आ जाएगा। ओके, तो यही कुछ डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि